भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में मतदान है, 3 तारीख को वोट डाले जाएंगे और क्या तैयारी है इस पर हम बात करेंगे लोजपा के उम्मीदवार नाथनगर से अमर सिंह कुशवाहा से। अमर जी, किस तरह की तैयारी आप गए, क्योंकि काफ़ी कम वक्त रह गया है, कौन सी ऐसी तैयारी जो आप अभी तक नहीं कर पाए हैं, चाहेंगे कि इस एक हफ्ते में उस तैयारी को पूरी कर लें? देखिए, तैयारी कुछ नहीं करना होता है चुनाव में, अपने सभी गार्जियन से जाके आशीर्वाद लेने की आवश्यकता है। हम 2015 में भी चुनाव लड़े थे और बहुत कम वोटों से हम जो है चुनाव हारे थे, और इस चूँकि हम सभी गार्जियन से अपील करना चाहते हैं कि एक हाथ से आशीर्वाद दिए थे, इस बार दोनों हाथ से आशीर्वाद दीजिए और आप सदन तक पहुँचाइए। तैयारी चुनाव की तैयारी में बहुत हम लोग तामझाम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर थोड़ा जो चुनाव आयोग का गाइडलाइंस है उस पर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और सिर्फ विश्वास इस चीज़ों पर रख रहे हैं कि हमारे जो देवमयी जनता हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, सभी से आशीर्वाद ले रहे हैं। नाथनगर को लेकर आपकी क्या तैयारी है कि नाथनगर में अगर आपको जनता इस बार मौका देती है, पिछली बार आप चूक गए थे, तो इस बार अगर आप विधायक बनेंगे तो नाथनगर के लिए क्या विशेष करना चाहेंगे? देखिए, नाथनगर विधानसभा क्षेत्र 15 साल से मतलब हमको लगता है कि आप किसी भी जनता से पूछेंगे तो एक ही लोग, सभी लोग एक ही जवाब देंगे कि हम लोग कहीं ना कहीं बगैर विधायक के ये 15 साल का हम लोगों का शासनकाल रहा है नाथनगर विधानसभा क्षेत्र का। जिस समय स्वर्गीय सुधाश्री वास्तव जी थीं, उनके बाद ये नाथनगर अनाथनगर हो गया है। और मुद्दे की बात करें तो मुद्दा एक नहीं है, नाथनगर विधानसभा क्षेत्र आज आधा क्षेत्र शहरी है और आधा देहाती, ग्रामीण नहीं कह सकते हैं चूँकि हम क्षेत्र में घूमते हैं तो स्थिति हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 8 पुल चिन्हित किया गया है, 8 पुल और उससे अप्रोच रोड को अगर बनाया जाए तो हम नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की टोटल आबादी एक दूसरे से जुड़ सकेंगे और सभी के लिए सुलभ होगा। आप LJP के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के भी यहाँ उम्मीदवार हैं और NDA के भी उम्मीदवार हैं, लेकिन आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद जो है वो आपकी राह आसान हुई है, मुश्किल हो गई है? निश्चित, प्रधानमंत्री जी के आने के बाद मेरा राह आसान हुआ है। हमारे आदरणीय आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वो बहुत सरल व्यक्ति थे और उनकी सोच हर एक तबके के लिए, हर एक जाति के लिए, मतलब जब दलितों को या मंडल आयोग का जब गठन हुआ, पिछड़ों को जब आरक्षण की जरूरत थी, तो वो BP सिंह के समय में इसमें सबसे आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया। वो दिन लोगों को याद रखना चाहिए जब पूरे देश में अगजनी था और उसके बाद वो सोफा के नीचे छुप के उनको रहना पड़ता था कि जो है अगर हम निकलेंगे तो हमको लोग मार देंगे। और देखिए, समाज में समानता लाने की बात है, और उसके बाद जब हमारे सवर्ण भाई पिछड़ने लगे तो सबसे पहले सदन में 15% आरक्षण की मांग हमारे आदरणीय संस्थापक और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उनकी शुरुआत की। तो रामविलास पासवान जी कोई व्यक्ति नहीं थे, वो सोच थे सभी जाति के लिए। उन्होंने जब भी जो जाति समाज में दब जाता था तो उनकी बात वो करते थे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो आप लोग का स्लोगन है, तो आपको लगता है कि इस बार आप फर्स्ट हो पाएंगे? देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने इनकी शुरुआत की, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कोई नाम नहीं है, ये सोच है। इसके अंदर हम लोग का जो मैनिफेस्टो है, कैसे हम जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होंगे, उसके बारे में विस्तृत हम लोग जो है मैनिफेस्टो में दिए हुए हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ आज व्यवस्था ये है कि नीतीश कुमार जी भीख मांगते हैं। वो कहते हैं कि जो है हमको दे दे राम, दिला दे राम, ठीक है, वो हम लोगों को नहीं करना है। हम लोग यहाँ बिहार के अंदर किस तरह से हम लोग
का उद्योग चले। हम लोग यहाँ पर जो हमारे तीर्थ स्थल हैं जैसे सीतामढ़ी, माँ सीता की जो है जन्मभूमि है, और उसके बाद जो है सीतामढ़ी एक बहुत ही फेमस वो है। तो हम लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए हम लोग आज तक कि हमारे यहाँ पर्यटक आए और हमारा इनकम ऑफ सोर्स बढ़े, इसके लिए आज तक हम लोग कुछ नहीं किए। हाँ, ये थे अहमद कुशवाहा, जिनका कहना था कि NDA के वास्तविक पार्टनर के रूप में LJP और नाथनगर के लिए उनकी जो विकास योजना है उसमें उसके तहत नाथनगर को फर्स्ट बनाना है।